नमस्कार, मैं हूं अनुषा और आप देख रहे हैं स्पेशल बॉलीवुड। बॉलीवुड के अभिनेता ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। आज उनकी जन्मदिन है। उनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। ऋषि कपूर की जयंती पर आपको बताते हैं दिवंगत अभिनेता के बारे में कुछ खास बातें। ऋषि कपूर जन्मजात अभिनेता से कहा जाता है कि जब उन्होंने चलना शुरू ही किया था तब वो आईने के सामने जाकर तरह तरह की शक्लें बनाया करते थे। 4 सितंबर को जन्मे ऋषि कपूर ने अपने 50 साल के फिल्म करियर में एक से एक शानदार फिल्में की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर सहित बड़े पुरस्कार तो उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही मिल गए थे। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड को अपने जीवन के 5 दशक दिए। इस दौरान उन्होंने कई सुपरहिट रोमांटिक और देशभक्ति से भरी फिल्में भी दी जिन्हें काफी पसंद किया गया। लोग प्यार से उन्हें चिंटू कहते थे। मनोरंजन जगत उनकी कमी को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ऋषि कपूर ने बतौर बाल कलाकार राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर से ही, इसमें उन्होंने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया। इस किरदार के लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी मिला। ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरा नाम जोकर को रिलीज करने के लिए राज कपूर ने अपना स्टूडियो और उनकी सारी संपत्ति गिरवी रख दी। इसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई जो सुपरहिट हुई। इसके बाद उनके दोस्त और भाई ने घर खरीदने के लिए कहा। ऋषि कपूर को उनकी फिल्मों के कई गाने पसंद नहीं होते थे। ऐसा ही उनकी सुपरहिट फिल्म रही कर्ज का एक सॉन्ग ओम शांति ओम के साथ हुआ। इसके अलावा ऋषि कपूर को किसी निकनेम पसंद नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का निकनेम नहीं रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू ट्रेंडिंग स्टोरी के साथ। मैं अनुषा लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए बने रहिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ के साथ।